गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का टॉपिक है सिंटेक्स, और ये सिंटेक्स का पार्ट 3 है, लेक्चर 8, जहाँ पर हम लोग कवर करेंगे एडजेक्टिव। चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन को कवर कर लिया गया है, अब यहाँ एडजेक्टिव का पोर्शन देखने वाले हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये एक ऐसा शब्द होता है डैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता हो उसी को कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए एडजेक्टिव को क्वालिफायर ऑफ नाउन आर प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, सरिता इज ब्यूटीफुल, सरिता सुंदर है, तो सरिता नाम है इसलिए सरिता क्या है, नाउन है, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल है ये सरिता के बारे में बताया गया, इसलिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। इसी तरह हम बोल सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, तो सी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में जब बताया जाएगा तब ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, तो एडजेक्टिव भी ऑलमोस्ट 10 ही टाइप के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी को बताता हो उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स जो क्वांटिटी को बताए, मात्रा को बताए, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव, जो कि नंबर को डिनोट करता है, जैसे 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, तो यहाँ पर 2, 5, 7, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, जो पजेशन को बताता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि संकेत को बताए, है ना। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इंडिफिनिट एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव या ऑर्डिनल न्यूमेरल नंबर, न्यूमेरल एडजेक्टिव, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। मतलब जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है वो 2 टाइप का होता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। इसके बाद में प्रॉपर एडजेक्टिव, अब 1 बाय 1 समझेंगे क्या होता है। जैसे देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड, कलर, साइज एंड शेप ऑफ द थिंग्स। क्लियर है, यानी कि वस्तुओं की या किसी चीज के शेप को, साइज को, काइंड को या कलर को जो बताता है वो कहलाता है क्वालिटी, है ना। तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे निशा इज ब्यूटीफुल, तो निशा के कलर के बेस पर बोला जा रहा है कि निशा सुंदर है। न्यू दिल्ली इज अ बिग सिटी, अब न्यू दिल्ली का जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो बिग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, इसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्या होता है, तो जो अमाउंट ऑफ द थिंग्स को सोच करे, एक्सप्रेस करे, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर, जो कि मात्रा को शो करे। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा ही पानी है। अब यहाँ पर पानी की मात्रा जो है लिटिल है, थोड़ी सी, और जनरली इसको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है, नहीं नहीं पहले इसे समझिए, यहाँ जो लिटिल है ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव आप क्वांटिटी है, क्या ही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह आइए, फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द फूड, मैंने खाने का अधिकांश भाग कंप्लीट कर दिया, यानी कि मोस्ट खाने की मात्रा को बता रहा है कि खाने में जो भी था उसका अधिकांश पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, तो इट शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ये जो है किसी पर्सन्स या थिंग्स के नंबर को, संख्या को बताता है। जैसे ही हैज 2 एप्पल्स, उसके पास 2 सेब हैं, आई एम इन सेकंड क्लास, मैं सेकंड क्लास में हूँ। तो इस तरह से ये जो 2 एप्पल्स तो नाउन हो गया, क्लास नाउन हो गया, लेकिन एप्पल्स के बारे में बता रहा है 2, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और यहाँ सेकंड क्लास, क्लास कौन से, सेकंड, तो सेकंड आपका ये क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। लेकिन अभी बताया गया न्यूमेरल एडजेक्टिव 2 तरह का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर देर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है, एडजेक्टिव जो हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, जैसे जो ऑर्डर को बताएं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस तरह से। और नेक्स्ट होता है कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो कि कार्डिनल मीन सी फॉर काउंटिंग, और सी फॉर काउंटिंग,
सी फॉर कार्डिनल, जो कि काउंटिंग को बताए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वो होता है कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, शोज द पजेशन, जो कि पजेशन यानी कि अधिकार को शो करता है वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल का, मोबाइल पर जो पजेशन है, मोबाइल पर जो अधिकार है वो किसका है, मेरा है, तो माई क्या हुआ आपका, माई हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। सेम डैट इज योर कार, वो तुम्हारी कार है, तो कार का रिलेशन तुमसे है, यानी कि कार पर अधिकार तुम्हारा या आपका है, तो सो योर इज द पजेसिव एडजेक्टिव बिकॉज योर एक्सप्रेस द पजेशन, ये अधिकार को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है। इसके बाद में इसी तरह माई, योर, हिज, आवर, ये आप लोग पढ़े थे, है ना। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या होता है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर दोज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, जिनको पॉइंटिंग के लिए यूज किया जाता है वो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, ये है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है, तो पेन की तरफ संकेत किया जा रहा है कि यह पेन जो पास में पेन है ये मेरी है। क्लियर है। तो दिस, दिस पेन यानी कि पेन के बारे में बताया जा रहा है कि यही वाली पेन, दूर वाली नहीं, पास वाली पेन। क्लियर। तो दिस क्या हुआ आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, लेकिन यहाँ माइन मेरा, कल मैंने बताया था ये आपका होगा पजेसिव प्रोनाउन होगा। क्लियर। दीज गर्ल्स आर नॉटी, ये सारी लड़कियाँ नॉटी हैं, नटखट हैं, तो गर्ल्स के बारे में बताया गया कि गर्ल्स जो कि पास में, ये सारी गर्ल्स हैं, है ना, इनके बारे में कहा गया। तो दीज क्या है आपका, संकेत किया जा रहा है दीज के माध्यम से, गर्ल्स को संकेत किया जा रहा है, इसलिए दीज क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है, समझ में आया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट बुक्स आर दोज, हुज बुक्स आर दोज, मतलब वे जो हैं किसकी किताबें हैं, तो यहाँ पर हुज बुक्स यानी बुक्स के बारे में बताया गया किसकी किताबें हैं, ये नाउन है, नाउन के पहले हुज का यूज हुआ, जो कि एक तरह से क्वेश्चन कर रहे, इसलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुई, कौन, हुज हुई। ओके क्लियर है। इसी तरह व्हाट टाइम शुड बी गो, हमें कितने बजे निकलना चाहिए, तो टाइम के बारे में बताया गया कितने बजे, यानी कि व्हाट क्या है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ये क्या होता है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन से बनी होती हैं, जैसे चाइना से चाइनीज हो जाता है, चाइना वाला फूड यानी चाइनीज फूड, इंग्लिश से इंग्लिश लिटरेचर बन जाता है, कश्मीर से कश्मीरी, जैसे आप सुने होंगे कश्मीरी एप्पल, तो कश्मीरी एप्पल यानी कि एप्पल के बारे में बताया गया कश्मीरी, कश्मीर का एप्पल है ना, कश्मीर का सेब यानी कि कश्मीरी, क्योंकि कश्मीर प्रॉपर नाउन है तो कश्मीर से बना कश्मीरी, है ना, इसलिए कश्मीरी क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव चाइनीज या इंग्लिश लिटरेचर। ओके नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि डिस्ट्रीब्यूट को शो करे, जैसे ईच, एवरी, नाइदर और आइदर, नाइदर और आइदर, अब यहाँ पर दो, यहाँ पर, यहाँ लिखा है देखिए आइदर चाइल्ड, एक मिनट ये सही था भाई, सॉरी ये एग्जांपल में यहाँ दिखा दिया गया है, नाइदर, एन ई आई टी एच ई आर, नाइदर चाइल्ड का मतलब दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं, दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं स्टूडेंट है। क्लियर है ये चीज़ हो। इसी तरह नाइदर, ओ सॉरी, अगर आइदर होता है, आइदर चाइल्ड का मतलब दोनों बच्चों में से कोई एक। क्लियर है। जैसे मैं कह दूं आइदर गर्ल, आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल यानी कि दोनों लड़कियों में से कोई एक लड़की सुंदर है, दोनों नहीं, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, तो गर्ल के बारे में बताया गया कि दोनों में से कोई एक है, यानी कि आइदर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स क्या होता है, जैसे एनी पेन, सम बुक, ये जो कि इंडिफिनिट चीज़ों को, जैसे कोई पेन, पता नहीं कौन सी पेन, तो एनी क्या हो गया इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो गया। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो यूज्ड टू इम्फेसाइज, जिनका यूज इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मतलब जोर देने के लिए किया जाता है, और टू सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इनको जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कंप्लीट नॉनसेंस, इसका मतलब बेवकूफ़ तो है लेकिन पूरा बेवकूफ़ है, पूरी तरह से नॉनसेंस,
है ना। तो नॉनसेंस आपका नाउन है, लेकिन नाउन के बारे में बताया गया कि भाई कंप्लीट है, जोर दिया जा रहा है कि नॉनसेंस नहीं है, वो कंप्लीट नॉनसेंस है, गधा नहीं पूरी तरह से गधा, क्लियर है। तो ये कंप्लीट क्या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स है। इसी तरह द बेरी वर्ड्स, तो यहाँ वर्ड्स को फोकस किया जा रहा है बेरी के माध्यम से, तो बेरी क्या हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो जाएगा। इसी तरह माई ऑन मदर, मेरी खुद की माँ, तो यहाँ माँ को फोकस किया जा रहा है ऑन के माध्यम से, क्लियर। तो ऑन क्या हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो जाएगा। अब एडजेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे, तो किसी के शब्द, किसी शब्द के लास्ट में ए एल लगा होगा जैसे रीजनल यूनिवर्सल, है ना, या ए आर वाई लगा हो जैसे कम्प्लीमेंट्री ऑनरेरी, फुल लगा हो जैसे सक्सेसफुल, है ना, सक्सेसफुल, या जो है ब्यूटीफुल हो, इस लगा हो इस जैसे, इक लगा हो जैसे बेसिक साइंटिफिक, ये सब क्या हो जाते हैं एडजेक्टिव हो जाते हैं। इकल लगा हो जैसे प्रैक्टिकल मैजिकल, इसी तरह किसी शब्द के लास्ट में आई एस एच लगा हो जैसे बॉयस फूलिस गर्लिस, गर्लिस का मतलब लड़कियों जैसा, बॉयस मतलब लड़कों जैसा, लेस लगा हो जैसे यूजलेस फ्रेंडलेस होमलेस, एल वाई लगा हो जैसे डेली कॉस्टली, है ना, या अस लगा हो जैसे डेंजरस मिस्टीरियस, है ना, वाई लगा हो जैसे एंग्री फनी फिल्दी, अगर ये सब है तब वो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव की डिग्री होती है समझना, ये तुम्हारा काम आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं वो तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड मतलब अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री जैसे बेटर, बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा, और सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। तो गुड बेटर बेस्ट, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब किसी के कंपैरिजन में अच्छा है, तुलना में अच्छा है, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है। वर्ब क्या होता है, अ वर्ड दैट टेल्स द एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, एक ऐसा शब्द जो कि एक्शन के बारे में बताता हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे शिवा प्लेड क्रिकेट, शिवा ने क्रिकेट खेला, तो शिवा ने कौन सा काम किया, खेलने का, यानी कि प्लेड वर्ब हो गया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो एम गोइंग आपका वर्ब है, है ना, जहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है मेन वर्ब है आई एन जी वाला। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऐसे बेसिक तो तीन ही होती हैं, फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और एक फोर्थ फॉर्म भी बनती हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाने से बनती हैं, जिनको हम आई एन जी फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्लियर है। और एक और बन सकते हैं, और वो होते हैं फिफ्थ फॉर्म जो कि बनती है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने से, जो कि फर्स्ट फॉर्म में जैसे गो का हो जाता है गोज, जैसे गो का क्या हो जाएगा गोज, इस तरह से। बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब तीन है, गो एंड गॉन, लेकिन अगर आई एन जी वाला देखेंगे तो गोइंग, एस या ई एस वाला देखेंगे तब क्या हो जाएगा गोज हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर बात किया जाए वर्ब की, तो बेसिक रूप से वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब जो होती हैं ये प्राइमरी यानी कि, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होंगी, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, और एक होती है आपकी सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जनरली 13 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज एम आर वाज वर, ये होती हैं वर्ब टू बी, ये क्या होती हैं वर्ब टू बी होती हैं, और ए ये हैज हैव हैड, ये होती हैं वर्ब टू हैव, क्या होती हैं वर्ब टू हैव, और डू या डज या डिड ये होती हैं वर्ब टू डू। तो तीन सेक्शन में डिवाइड है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं इनको मोडाल्स भी कहते हैं, और मोडाल्स मेरा नहीं बल्कि मोडाल्स 13 है, यानी मोडाल्स की संख्या 13 है, मोडाल्स की संख्या 13 है, और वो कौन सी हैं, कैन का पास्ट फॉर्म कुड मे माइट सेल शुड बिल वुड मस्ट आर टू, नहीं मस्ट आर टू नीड यूज्ड टू डेयर, और जो है शुड हो गया, 13 हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी एक छूट रही हैं, और वो हैं मस्ट आर टू नीड डेयर, शुड, ये पूरा जो है
ये डेयर को भी मिलाकर पूरा 13 ये मॉडल्स हैं। इसके बाद में जैसे अब शुड, शुड का यूज करना चाहिए के लिए जब नॉर्मल एडवाइस हो, तो जैसे मुझे जाना चाहिए आई शुड गो। अब 10 सेंटेंस आपको बनाना है प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे खाना चाहिए आई शुड ईट, मुझे रोना चाहिए आई शुड क्राई, मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड रीड, इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ मुझे की इंग्लिश आई, उसे की इंग्लिश ही या सी, उन्हें की इंग्लिश दे, हमें की इंग्लिश बी, तुम्हें की इंग्लिश यू। ओके आगे देखिए, अब यहाँ चाहिए, चाहिए जब नॉर्मल एडवाइस की बात हो तब वहाँ पर शुड का यूज करेंगे, ये तो क्लियर है ना। लेकिन जैसे मुझे खाना चाहिए आई शुड ईट, और यहाँ पर मुझे की इंग्लिश आई, तुम्हें की इंग्लिश यू, हमें की इंग्लिश बी, उसे की इंग्लिश सी, लड़की है तो उसे की इंग्लिश सी, और उन्हें की इंग्लिश दे। लेकिन अगर जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए का सेंस आए तब वहाँ पर मस्ट का यूज करना, जैसे मुझे जरूर जाना चाहिए आई मस्ट गो। क्लियर। लेकिन अगर एक मोरल्स की बात आ जाए, नैतिक कर्तव्यों की बात आ जाए, मोरल्स राइट्स या ड्यूटीज की बात आ जाए, तब वहाँ पर आपको अट्टू लगाना, जैसे मुझे टीचर का कहना मानना चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट ये जो एक नैतिक कर्तव्य है, अधिकार है ना, तो आपको टीचर का कहना मानना चाहिए। यू आर टू ओबे द टीचर, ओबे द टीचर्स। ओके अब यहाँ पर अगर सामान की बात हो तब वहाँ चाहिए कि इंग्लिश लगा देना वांट, याद रखना। अगर सामान की बात हो तब चाहिए कि इंग्लिश क्या लगाना, वांट, जैसे उसे पैसा चाहिए तो ही वांट्स मनी। मुझे पेन चाहिए क्या हो जाएगा, आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, ये हो जाएगा। मतलब वही सिमिलर के लिए ऐसे आईएस लगेगा, प्लूरल के लिए नहीं लगेगा। अब कैन का यूज किसके लिए करना है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ के लिए करना, जहाँ पर 100% सियोरिटी हो, जहाँ पर कोई काम में 100% सियोरिटी हो। जैसे मैं कहूँ मैं कुएं में कूद सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत है, क्षमता है, मैं कुएं में कूद सकता हूँ, ना विश्वास को कूद कर दिखाऊँ, तो ये हो जाएगा। जहाँ पर एकदम क्षमता की बात आ जाए, 100% सियोरिटी की बात आ जाए, वहाँ पर कैन लगा देना, आई कैन जम्प इन टू द बेल। ओके जैसे मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, लेकिन मे का यूज वहाँ पर कर देना, सकता है, सकती है, सकते के लिए, जहाँ पर 100% श्योर ना हो, जहाँ पर सियोरिटी 50% ही हो, संभावना हो। जैसे बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन, कोई संभावना, कोई पक्की बात नहीं है, मैं आ सकता हूँ, आई मे कम, अगर मे कम बोल रहा हूँ तो आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है, जैसे क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, मे आई गो आउटसाइड। अब टीचर से कहते हैं सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो सर मे आई कम इन। क्लियर है। अब सेल का यूज ऊ फॉर्मेशन के लिए करना, जहाँ ऊ वाला बात हो, जैसे क्या मैं जाऊँ, सेल आई गो, क्या मैं खाना खाऊँ, सेल आई ईट द फूड, क्या मैं अब खेलने जाऊँ, सेल आई गो फॉर प्ले राइट नाउ, क्या मैं पढ़ूँ, सेल आई रीड, क्या मैं लिखूँ, सेल आई राइट। इस तरह से ऊ फॉर्मेशन के लिए आपको सेल का यूज करना। क्लियर। फिर इसके बाद में है कुड, कुड का यूज आपको करना है सका, सकी, सके के लिए, पाया, पाई, पाए, पाए के लिए, सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए। जैसे मैं समय पर नहीं आ पाया तो आई कुडंट या आई कुड नॉट, कुड नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे कुडंट, आई कुडंट कम ऑन टाइम, वह मुझे नहीं मार पाया, मैं भाग गया, ही कुडंट बीट मी, वह मुझे नहीं मार पाया। मैं कुएं में कूद सकता था, आई कुड जम्प इन टू द वेल। ओके अब यूज्ड टू को यूज करना, ता करता था, ती करती थी, ते करते थे, मैं बचपन में कंचा खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले द मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में कंचा खेला करता था, वह पता है रोया करते थे, सी यूज्ड टू क्राई। अब नीड का यूज करना है, जरूरत है या आवश्यकता है के लिए, जैसे मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत थी। अगर एक पास्ट की बात आ जाए तब वहाँ पर नीडेड कर देना, नीडेड का यूज वहाँ कर देना जहाँ पर आ जाए पास्ट वाला सेंस, यानी कि आवश्यकता थी या जो है जरूरत थी का केस आ जाए, आवश्यकता थी या जो है जरूरत थी का केस आ जाए, तब वहाँ पर नीडेड का यूज कर देना। ओके जैसे मुझे आपकी ज़रूरत थी, आई नीडेड यू, मुझे पैसे की आवश्यकता थी, आई नीडेड, सॉरी उसे पैसे की आवश्यकता थी, ही नीडेड मनी। ओके अब यहाँ डेयर का यूज करना है हिम्मत या साहस के लिए, जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टू टच मी, मेरे बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू टू स्पीक अबाउट मी, ये चीज़।
जहाँ पर एक साहस या हिम्मत की बात हो वहाँ पर डेयर लगाना है। हैज़ या हैव का यूज पास है के लिए जब पजेशन की बात हो, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, उसके पास दो कान हैं, सी हैज टू ईयर्स। हैड का यूज पास था के लिए करना है, जैसे मुझे बुखार था, आई हैड फीवर, उनके पास कार थी, दे हैड अ कार। विल हैव का यूज करना है पास होगा या पास होगी के लिए, जैसे मेरे पास ट्रक होगा, आई विल हैव अ ट्रक। अगर आपको देखो ये शॉर्ट में बताया गया है, बाकी डिटेल से समझना होगा तब आप कमेंट कर सकते हैं, अलग से पूरा बता दिया जाएगा। ओके, अभी एक रफली बताया गया है, एक जैसे लिस्ट वाइज। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड डैट टेल्स अबाउट वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एक ऐसा शब्द जो कि वर्ब के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में बताए या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है, सिंपल सा, यहाँ पर ही प्रोनाउन है, रन्स वर्ब है। लेकिन मैं कह दूँ ही रन्स फास्ट, तब यहाँ ही प्रोनाउन है, रन्स क्या वर्ब है, लेकिन अब यहाँ वर्ब के बारे में बताया गया तो फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह मैं कह दूँ सी इज ब्यूटीफुल, भाई ब्यूटीफुल ही हमेशा हो, ब्यूटी से फुल ही रही ये, सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर सी प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन मैं कह दूँ सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब एडजेक्टिव के बारे में बताया गया कि बहुत सुंदर है, इसलिए वेरी क्या हो जाएगा, बोलिए, वेरी हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर। आगे देखिए, अब एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, तो कई टाइप्स होते हैं। जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि हाउ का रिप्लाई होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि वेयर का रिप्लाई होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि व्हेन का रिप्लाई होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि हाउ मच का रिप्लाई होता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन वर्ड का वाला जो सेंस देता है वो होता है, और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, यस वाला जो होता है, यस यस श्योर वाला, एडवर्ब ऑफ निगेशन जो नो नेबर नॉट वाला होता है, एक्सक्लामेटरी एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब जब क्वेश्चन वर्ड का सेंस जा से आता है, और एडवर्ब ऑफ कॉज या रीजन जो कि वाई का रिप्लाई होता है। अब एक एक देखिए, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? इट टेल्स अस नाउ द एक्शन इज डन, ये बताता है कि एक्शन, अरे हाउ होगा, कि एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, और ये क्या बताता है? हाउ का क्वेश्चन लगाने से आंसर मिल जाता है। जैसे आई ओपनड द डोर क्विकली, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा कैसे खोला, अरे मैंने नहीं, उसने खोला, किसने खोला, कुल मिलाकर खोला, तो ही ओपनड द डोर क्विकली, उसने दरवाजा जल्दी से खोला, उसने दरवाजा कैसे खोला, क्विकली, जल्दी से, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, ही प्रोनाउन है, ओपनड वर्ब है, द डोर द आर्टिकल है, और डोर आपका नाउन है। ओके, इसके बाद में देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? तो इट टेल्स अस वेयर द एक्शन इज डन, प्लेस मतलब जगह, तो ये बताता है कि कोई काम कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कोई एक्शन कहाँ किया जाता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, ये वेयर का क्वेश्चन लगाने से इसका आंसर मिल जाता है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो कहाँ का रिप्लाई क्या है, स्कूल, इसलिए स्कूल क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज डन, ये हमें उस बारे में बताता है कि काम कब किया जा रहा है, काम कब किया जा रहा है, इसके बारे में बताता है। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, और ये व्हेन लगाकर व्हेन का आंसर होता है, मतलब व्हेन लगाकर जब क्वेश्चन करेंगे तब उसका आंसर होता है। जैसे हैव यू सीन प्रिया टुडे, क्या तुमने आज प्रिया को देखा है, तो अगर मैं कहूँ क्या तुमने प्रिया को कब देखा है, तुमने प्रिया को कब देखा है, तो आप कहोगी आज, है ना, तो ये When का रिप्लाई टूडे, तो टूडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज़ सुबह कब उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ ना, अर्ली क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है, अरे साथ में रहेगा बच्चा, हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, इट टेल्स अस हाउ ऑफन द एक्शन इज डन, ये बताता है कि काम कितनी बार किया गया। आई कॉल्ड यू थ्राइस, मैंने तुम्हें तीन बार बुलाया, मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया, तीन बार, तो थ्राइस क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह ही यूजुअली गोज बाई बस, वो जनरली बस से जाती है ना, तो ये रोज रोज वो किससे जाती है, बस से, तो यूजुअली कॉमनली जनरली ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, ये हाउ मच का क्वेश्चन लगाकर आंसर करेंगे तब
ये एडवर्ब आप डिग्री मिल जाएगा, जैसे हाउ मच मतलब कितना, कितने कितने, और इसका यूज अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। जैसे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्या मैं कितना हैप्पी हूँ, क्या आप हैप्पी को गिन सकते हो? तो ये डिग्री को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, हाउ मच का रिप्लाई है, इसलिए एडवर्ब आप डिग्री है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। तो यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो होता है जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो बताओ, तुम कब उठते हो, तो व्हेन से रिप्लाई क्वेश्चन किया जा रहा है, है ना। तो ये क्या इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तो हाउ क्या है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस असर्शन, जो असर्शन या श्योरिटी को एक्सप्रेस करे, जैसे सर्टेनली, श्योर, यस, ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। इसी तरह नेक्स्ट होता है आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये क्या होता है सोज डेनियल, जो कि मना करने को शो करे, है ना। नो नेबर नॉट से मना किया जाता है, नो नेबर नॉट या नॉट एट ऑल। जैसे हाउ बैड, हाउ बैड एक एक्सप्रेशन है जो कि एक्सक्लामेटरी एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है यहाँ पर। जैसे हाउ बैड, कितना ज़्यादा गंदा, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड का यूज एक एक्सक्लामेटरी के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सक्लामेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाने लगा, तब वो होता है, वो क्वेश्चन वर्ड होता है एक्सक्लामेटरी एडवर्ब होता है। ओके, इसके बाद में रिलेटिव एडवर्ब, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड होता है डेट सोज रिलेशन, जो कि रिलेशन शो करता है, और ये जा का सेंस देता है। जैसे आई नो व्हाई शी डिडंट केम, मुझे पता है वो क्यों नहीं आई, वो जिस लिए नहीं आई ना मैं जानता हूँ। तो ये व्हाई जो है क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ कॉज या रीजन जो होता है, ये रीजन को बताता है कि कोई काम, कोई घटना किस रीजन से किया जाता है। जैसे इट आंसर द क्वेश्चंस व्हाई, ये व्हाई का रिप्लाई होता है, है ना। व्हाई लगाकर अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दस ही गॉट द जॉब, इस प्रकार उसे नौकरी मिल गई, है ना। तो इस प्रकार उसे नौकरी मिल गई यहाँ पर दस। इसी तरह सी देयर फॉर गॉट, सी देयर फॉर गॉट लेट, वह इसलिए लेट हो गई। तो यहाँ देयर फॉर मतलब जो रीजन को बताता है, जैसे मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आया, मैं किस लिए नहीं आया, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ये जो है देयर फॉर दस, ये सब क्या है, ये हैं आपके कुछ तो हैं रिलेटिव एडवर्ब है। ओके, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की भी डिग्री होती है तीन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सी ए एम पी ए आर ए, अरे भाई सी ओ एम पी ए आर ए टी आई बी ई, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री, एस यू पी ई आर, एस यू पी ई आर एल ए टी आई बी ई, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, जेंटली, मोर जेंटली, ये स्पेस रहेगा जी ई एन, और मोस्ट जेंटली, लिटिल लेस लीस्ट, और मच मोर मोस्ट। क्लियर है ये चीज़। जैसे फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब ज़्यादा तेज, फास्टेस्ट का मतलब सबसे तेज, क्विकली मतलब जल्दी से, मोर क्विकली मतलब बहुत जल्दी से, और मोस्ट क्विकली का मतलब एकदम जल्दी से, सबसे जल्दी से, है ना। अब यहाँ प्रीपोजिशन क्या होता है, इट इज अ वर्ड, ये एक ऐसा शब्द होता है डैट इज प्लेस्ड, जिनको रखा जाता है, जिनको यूज किया जाता है, प्लेस्ड का मतलब यूज किया जाता है, बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, एंड टेल्स देयर रिलेशन टू अनदर नाउन आर प्रोनाउन, और उनका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करवाया जाता है। माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन मेज पर है, तो मेरा फोन कहाँ पर है, मेज पर है, मेरे फोन का रिलेशन मेज से है, और मेज का रिलेशन मेरे फोन से, कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है, तो ऑन क्या प्रीपोजिशन। इसी तरह प्रीपोजिशन की लिस्ट में ऑन, इन, अपॉन, बिटवीन, कई सारे आते हैं। अब प्रीपोजिशन के कई टाइप्स होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे इन, एट, ऑन, बाय, सिंस, फॉर, फ्रॉम, फ्रॉम टू, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, अपॉन, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, समझ में नहीं आएगा, इसको जब डिटेल से पढ़ेंगे यूज के साथ तब क्लियर होगा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस में, जो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, टू, टूवर्ड्स,
और अगेंस्ट मतलब खिलाफ, ओके। इसके बाद में कंजंक्शन क्या होता है, इट इज अ वर्ड, ये एक ऐसा शब्द होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये शब्दों का समूह होता है जिनका काम होता है ज्वाइंस द वर्ड, शब्दों को जोड़ना, फ्रेजेज वाक्यांशों को जोड़ना, क्लॉजेज उपवाक्यों को जोड़ना और सेंटेंसेस या जो है वाक्यों को जोड़ना। राम एंड सीता, अच्छा राम और सीता को एंड जोड़ रहा है। इसी तरह बट बिकॉज सो बोथ एंड एज वेल एज नो लेस देन, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन तीन टाइप के होते हैं, को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और को रिलेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पर देखिए, को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो कि आइडियाज को कंबाइन करने का काम, मतलब जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट आल्सो, ये एडिशन है, ऐड करने के लिए काम आते हैं। ये क्या है, एडिशन है, कंजंक्शन ऑफ एडिशन। इसी तरह और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, ये क्या है, ये चॉइस के लिए। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक तो एडिशन के लिए, ये एडिशन की लिस्ट है, ये चॉइस वाला है, ठीक है। और एक ये रीजनिंग है ना, बट स्टिल येट, ये जो कंट्रास्टिंग को बताते हैं, रीजन को नहीं बताते, कंट्रास्ट को बताते है ना, कंट्रास्टिंग मतलब जो कि एक तरह से विरोध करते हैं है ना, लेकिन वाला सेंस देते हैं, जैसे एक आम घाट तो दूसरा बीर घाट, जैसे राम अमीर है लेकिन सीता गरीब है, तो ये जो कंट्रास्ट का मतलब विरोध करते हैं, ओके। स्टिल येट, नेवरथलेस और वेयर एज, डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू एच ई आर ई ए एस, वेयर एज वाइल ओनली। इसके बाद में फॉर, जो कि रीजन को बताते हैं है ना, रीजनिंग, यहाँ पर रीजन को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। फॉर का सेंस यहाँ क्यों किस निकलता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इट इज यूज टू ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स, वन विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, ये ऐसे स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं कि जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है। और इसमें आते हैं जैसे सी सेड, उसने कहा कि, उसने कहा कि क्या, आगे कहोगी सर आगे तो बताओ, उसने कहा कि क्या कहा, वह तैयार है, ठीक है तो रहने दो ना। तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्लियर है। और ये है आपका सब ऑर्डिनेट, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में टाइम के लिए व्हेन, बिफोर, व्हेन एवर, आफ्टर, टिल, व्हाइल, सिंस, एज, एज सून एज का यूज किया जाता है। प्लेस के लिए वेयर, वेयर एवर, रिजल्ट के लिए किसका यूज किया जाता है, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, ये भी सही है लेकिन सही तब होगा जब लास्ट में सी लगा देंगे, तब कॉन्सिक्वेंस के लिए। सो डेट, सच डेट, पर्पज के लिए सो डेट या लेस्ट, मैनर के लिए एज या एज इफ, कंपेयर, क्या लिखे हो, कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए सो एज या जो एज एज देन। अब ये सारा जो है जब यूज बताएंगे तब क्लियर होगा, ओके। कंडीशन के लिए इट या अनलेस, और यहाँ पर कंसेशन, कंट्रास्ट के लिए आल दो येट या दो याल दो, और कॉज या रीजन के लिए बिकॉज, सिंस, एज। अब देखिए यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन ये होते हैं भैया, पति पत्नी फिक्स रहते हैं जहाँ आइदर वहाँ और, आइदर के साथ और ही आएगा, अगर नॉर ले आओगे महाभारत हो जाएगा, क्लियर है, ये फिक्स है। यानी कि जो पेयर में यूज होते हैं हमेशा वो होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, रेदर देन, सच डेट, स्कार्सली व्हेन। अब ये आपको यूज करना होगा, यहाँ पर अच्छा खासा रूल बनता है ग्रामर से, क्लियर है ना, ओके। तो ये मैंने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया, अब हम लोग वन बाय वन पहले आर्टिकल्स, फिर नाउन, प्रोनाउन, हर चीज़ कवर करेंगे डिटेल से, ओके, थैंक यू।